आज दिवाली का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम आज ही के दिन रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे, तब से दिवाली मनाई जा रही है। तो चलिए इस दिवाली आपको भगवान राम से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताते हैं जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। भगवान राम को देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह से पूजा जाता है। राम अयोध्या में बालक हैं, यानी यहाँ इनका बाल स्वरूप पूजा जाता है। मध्य प्रदेश के ओरछा में भगवान राम राजा हैं, यहाँ इनकी पूजा राजा के तौर पर होती है। वहीं विंध्य के चित्रकूट में भक्त राम को वनवासी के तौर पर पूजते हैं। पहले बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में प्रभु राम की बाल स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ श्री राम का जन्म हुआ, इसी वजह से यहाँ के लोग उनका बाल स्वरूप में पूजन करते हैं। इसीलिए राम को अयोध्या में राम लला कहा जाता है। बात करें मध्य प्रदेश के ओरछा की, तो यहाँ प्रभु राम को राजा राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रभु राजसी वैभव के बीच विराजते हैं। राम राज्य सरकार का दरबार वैसा ही होता है जैसा महाराजाओं का होता था। सुबह पट खुलने और बंद होने के समय राम राजा को सशस्त्र जवान बंदूकों से सलामी देते हैं। विवाह पंचमी में ठाठ बांट के साथ वैसी ही बारात निकाली जाती है जैसे किसी राजकुंवर की निकलती है। भले ही राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ हो, लेकिन ओरछा जैसा राजसी वैभव शायद ही कहीं देखने को मिले। ओरछा में प्रभु राम की छवि राजा राम सरकार की है। अब राम यहाँ राजा के तौर पर क्यों पूजे जाते हैं, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ओरछा के बुंदेला राजा की पत्नी गणेश कुंवर राम भक्त थी। गणेश कुंवर राम को लेने अयोध्या आई और सरयू में जल समाधि लेने चली गईं। लेकिन वो जैसे ही सरयू में समाधि लेने उतरी, राम उनके आंचल में आ गए और वो उन्हें लेकर ओरछा आ गईं। जनश्रुति के मुताबिक रानी गणेश कुंवर यहाँ से श्री राम के विग्रह को पैदल लेकर ओरछा आईं। मंदिर अधूरा था, इसीलिए विग्रह रसोई घर में रखा गया। बाद में मूर्ति वहीं स्थापित हो गई। तब से राम ही ओरछा के राजा हो गए। ओरछा के परकोटे के अंदर पीएम हो, सीएम हो या डीएम, किसी को सलामी देने का चलन नहीं, क्योंकि ओरछा में राजा एक ही है और वो है राम राजा सरकार, जो दर्शन भी देते हैं और दरबार लगाकर जन सुनवाई भी करते हैं। जाते जाते बात कर लेते हैं चित्रकूट की। यहाँ राम वनवासी के तौर पर पूजे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वनवास के दौरान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अवध छोड़कर जंगल की ओर निकल गए थे। राजकुमार का वैभव छोड़कर राम विंध्य अंचल के चित्रकूट में ठहरे। यहाँ पहली बार राजकुमार राम को वनवासी के रूप में लोगों ने देखा, इसी वजह से भक्त इन्हें वनवासी के तौर पर पूजते हैं। तो ये थी राम के तीन रूपों की कहानी। आप सभी को दस सूत्र परिवार की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दस सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।